ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली के ऑटो ड्राइवर की पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक बुजुर्ग टैक्सी चालक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाला इस टैक्सी चालक को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो ठाणे के रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे का है, जहां ब्रिज के नीचे रिक्शा चालक टैक्सी चालक गाड़ी खड़ी कर पैसेंजर को भरते हैं, मगर ट्रैफिक जाम होने की स्थिति यहां काफ़ी पैदा होती है। ट्रैफिक होने की वजह से ट्रैफिक इंचार्ज ने टैक्सी चालक को टैक्सी हटाने के लिए कहा, मगर टैक्सी हटाने के बजाय इसने बहस कर लिया और उल्टी सीधे बातें करने लगा, जिसके बाद ट्रैफिक इंचार्ज ने इसे मार दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस अवैध टैक्सी और रिक्शा चालकों पर नज़र रखती है जो इस पुल के नीचे अक्सर खड़े होते हैं। अक्सर अवैध वाहनों में यात्रा करते वक्त लूटपाट का यात्री शिकार भी हो जाते हैं। हालांकि जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई तो सभी ने इस ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रमेश यादव की तारीफ की, क्योंकि अवैध पार्किंग और अवैध रिक्शा टैक्सी चालकों पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।